वीडियो हम बात करेंगे हार्वेस्ट फिनांस के फार्म टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 43.8 USD पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंट मूवमेंट के बाद से इसके प्राइस में एक अच्छा करेक्शन, एक अच्छी स्टेबिलिटी इस लेवल पर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बहुत अच्छे पोस्ट इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर क्रिप्टो से रिलेटेड क्विक अपडेट और न्यूज शेयर की जाती है। 43.8 USD पर यह कॉइन ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो BTC में फ्लक्चुएशन देखने को मिली, उसमें इस कॉइन ने 39 USD तक का ड्रॉप लिया था। उस लेवल के बाद से थोड़ा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला, जहां पर 49 USD वाला लेवल अभी ट्राई किया था और ओवरऑल 42-44 USD के अराउंड में पिछले 8-10 दिनों से हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इससे पहले इस कॉइन ने दिसंबर मंथ में एक अच्छा खासा मूव लिया था, जहां पर 68 USD वाला लेवल हिट किया था। तो वहां से अगर देखें तो 30-35% तक का ड्रॉप इसकी प्राइस में देखने को मिला है और एक अच्छे लेवल पर एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जहां पर अगर डेली के अंदर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 40 USD वाला एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जिसको यहां पर जब इस कॉइन ने ब्रेक किया था, 68 USD वाला लेवल जब हिट किया था, उस टाइम पे 40 USD वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेक किया और उसके बाद से इस लेवल पर इस कॉइन ने सपोर्ट मेंटेन किया और जब से लेके मतलब ऑलमोस्ट 1 month से इस लेवल को इस कॉइन ने मेंटेन किया हुआ, जहां पर रीसेंट डंप में भी इस कॉइन ने 39 USD तक का लेवल ट्राई किया था, लेकिन 40 USD से ऊपर ही हमें डेली क्लोजिंग देखने को मिली। इसके बाद 48 USD वाला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से इस कॉइन को रिजेक्शन फेस करने को मिला, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको इस कॉइन ने यहां ब्रेक तो कर दिया था, लेकिन BTC की फ्लक्चुएशन की वजह से इसमें ड्रॉप देखने को मिला और 48 USD वाला सपोर्ट को लूज कर दिया। इससे पहले के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहां अक्टूबर मंथ, सेप्टेम्बर मंथ और अगस्त मंथ में इस कॉइन ने लोवेस्ट एरिया ट्राई किया था, जहां पर 20.35 तक का लो इस कॉइन ने अगस्त में के एंड सितंबर के स्टार्टिंग के अराउंड में बनाया था। और हमारी अगर लास्ट एंट्री की बात करें इस कॉइन में तो वो थी 26th of August को 21.4 USD की, और उस लेवल पर हमने इस कॉइन में एंट्री शेयर की थी। वहां से अभी तक अगर आपने इस कॉइन को देखी, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है। आप इस कॉइन में लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करेंगे तो आपको ये आने वाले दिनों में 100 USD, 150, 200 भी बैक टू बैक BTC के मूवमेंट के साथ में और मार्केट के मूवमेंट के साथ में ये कॉइन अच्छा खासा ग्रो करता हुआ दिखेगा, जहां पर अभी तक इस कॉइन के में उस लेवल से 20 USD वाले लेवल से 200% तक का मूवमेंट देखने को मिल चुका। बीच में इस कॉइन में अच्छी खासी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलती है, जहां 26-27 वाले लेवल्स यहां बीच बीच में ट्राई किए, उसके बाद से लगातार हमें मूवमेंट इसकी प्राइस में देखने को मिला, लगातार ब्रेकआउट, स्टेबिलिटी, फिर मूवमेंट, फिर स्टेबिलिटी, और इस टाइप से इसको ने 68 USD वाला रिसेंटली लेवल ट्राई किया। तो हमने वहां जो आपको लेवल शेयर किए थे, वहां से अगर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में होल्ड है तो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, और यही फायदा रहता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का। क्विक आपने अगर प्रॉफिट वाले लेवल पर सेल किया होगा तो वो 27-30 USD के थे, जिसको इस कॉइन ने बहुत पहले ही हिट कर दिया, हाँ हिट कर दिया था। उसके बाद 46 वाला लेवल नवंबर में ट्राई किया था, तो वहाँ आपने अगर उस लेवल तक भी वेट किया होगा तो वो लेवल आपका हिट हुआ। अब बात करते हैं वीकली के अंदर, तो आई होप आपने प्रॉफिट प्रीवियसली जनरेट किया होगा। जिनका अभी होल्ड है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या जल्दीबाजी में कोई गलती की है अभी रिसेंट वाले ब्रेकआउट में किसी ऊपर वाले लेवल पर बाय किया हुआ है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर वीकली के अंदर अगर बात करें तो यहाँ 20.11 वाला जो लो इस कॉइन ने बनाया था, तो ये वाला लेवल वीकली के अंदर इसको बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया था, 20 USD वाला, जिसको इस कॉइन ने वीकली में मेंटेन किया, मतलब 20 USD वाले लेवल को सपोर्ट बना लिया था। ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था ये 26 USD वाला लेवल, जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था,
जून मंथ से लेके अगस्त मंथ तक इस कॉइन ने 26 USDT से नीचे ही स्टेबिलिटी मेंटेन की और उसी लेवल पर ये कॉइन मेंटेन रहा। जैसे 26 USDT वाला लेवल ब्रेक हुआ, उससे ऊपर वीकली क्लोजिंग की तो 46 तक इसने ट्राई किया और उसके बाद बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी वीकली के अंदर अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 42 USDT वाला एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर दो लेवल्स आपके लिए हैं, एक तो डेली के अंदर 40 USDT और वीकली के अंदर 42। आज संडे है और इस वीकली क्लोजिंग वाले लेवल को, वीकली वाले लेवल को पिछले 3 वीक से मेंटेन किया हुआ है, इस वीक में भी मेंटेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर 42 USDT से ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ 54 USDT वाला रेसिस्टेंस लेवल है, वो लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन है। वो जैसे ही ब्रेक होगा फिर ये अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, 68 प्रीवियस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, 70, 75, 80 बैक टू बैक। आपका जितना टाइम पीरियड होल्डिंग रहे, देखिए क्रिप्टो में आपका जितना लंबे टाइम की होल्डिंग रहेगी उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में या क्विक स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं डेली बेसिस पर या रेगुलर 2-4 दिन के अंदर प्रॉफिट आपको जनरेट करना, तो वो आप 20-30% पर से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बीच बीच में कुछ कॉइन्स में अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं लेकिन उनमें भी आपको वेट करना पड़ता है। तो अब एंट्री की अगर बात करें ओवरऑल, तो कौन सा लेवल आपके लिए बेस्ट एंट्री लेवल्स रहेगा? 44 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 43.5 पर एंट्री लेनी, क्यों? क्योंकि यहाँ से कल मंडे को जब शाम को US मार्केट ओपन होगा उस टाइम पर भी फ्लक्चुएशन होने के चांसेस रहेंगे, जिसमें ये कॉइन 40 USDT से नीचे वापस ट्राई भी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है 43.5 फर्स्ट लेवल की बाइंग आपकी रहेगी, जहां पर 70% पार्ट से एंट्री लेनी है। सेकंड लेवल रहेगा 39.5, यानी 40 से नीचे वाला लेवल, जहां पर आपको बाकी 30% से बाय लिमिट लगा कर रखनी। अब देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जहां हमने अगस्त सितंबर मंथ में 24-22 के अराउंड में इस कॉइन में बाय किया था उस लेवल पर वापस आपको एंट्री मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बस इतना रहता है कि जहां एक अच्छा लेवल रहे बस उस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं, सिर्फ हमें वेट करना रहता है। आपको ये नहीं बताया कि आप 60 USDT पर बाई करिए, जब एक अच्छा लेवल रहता है जहां स्टेबिलिटी रहे, जहां से वापस बाउंस बैक के चांसेस रहे, उस लेवल पर हम कॉइंस में एंट्री शेयर करते हैं। तो 43.5 और 39.5 पर 70-30 के रेशियो में बाई करना है। क्विक टारगेट्स की बात करें, जैसे ही ये 48 को क्रॉस करेगा 55 से 60 को इजीली ट्राई करेगा, जहां 55 USDT वाला लेवल फर्स्ट टारगेट, जहां 60% पार्ट, और सेकंड टारगेट 60 USDT वाला, जहां बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। शॉर्ट टर्म में 65 USDT वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहां पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। इन लेवल्स पर आपको प्रॉपर सेल लिमिट लगा कर रखनी है। बाकी यहाँ पर जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल्स सिग्नल शेयर की जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर क्रिप्टो से रिलेटेड क्विक अपडेट न्यूज़ शेयर की जाती है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहां पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हैं, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।